हाँ तो गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आज हम आपको सरकार क्या है उसमें सरकार के कार्य आपको बताएंगे कि सरकार कौन कौन से कार्य करती है। सबसे पहले क्या है कि सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार लोक हित के कार्य करती है। तो बच्चों, एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो सरकार लोक हित के कार्य करती है, ताकि सब ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को कार्य हो और सभी लोगों के हित के कार्य। तो ये कार्य लोकतांत्रिक सरकार ही कर सकती है। वैसे सरकार तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले एक लोकतांत्रिक सरकार, दूसरी एक राजतंत्रीय सरकार, तीसरा है एक तानाशाही सरकार। तो लोक हित के कार्य तो तानाशाही सरकार भी करती है, राजतंत्रीय सरकार भी करती है, लेकिन क्या है कि वो सरकार तानाशाही और राजतंत्रीय सरकार क्या है, जवाबदेही सरकार नहीं होती। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार क्या है, ये सरकार हम चुनते हैं, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ऐसी सरकार जवाबदेही सरकार होती है। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार जो है वो सरकार लोक हित के कार्य करती है या जनता के हित के कार्य करती है। दूसरा है जन सुविधाएं, दूसरा है सरकार जन सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, सफाई, पानी आदि के व्यवस्था सरकार करती है। अभी देखिए कि सड़क, बिजली, सफाई, पानी आदि की व्यवस्था सरकार करती है। तो गांव में पंचायत सरकार होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो करती है। पंचायत समिति में या पंचायत लेवल पर क्या है, पंचायत समिति करती है। अब जिला लेवल के ऊपर क्या है, जिला परिषद ये कार्य करती है। तो ये सरकार के कार्य है कि जन सुविधाएं जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाए, कि ये सड़क, बिजली, सफाई, पानी आदि की व्यवस्था सरकार करती है। अब तीसरा है सामाजिक, सामाजिक मुद्दों पर भी सरकार कार्य करती है। जैसे गरीबों के उत्थान के कार्य सरकार
तो सामाजिक मुद्दे जो भी है वो सरकार का कार्य सरकार करती है। जैसे उदाहरण के लिए गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की भलाई के लिए जो कार्य करती है वो सरकार करती है। आगे आपने देखा है कि सरकार एवं रेल आदि की व्यवस्था सरकार करती है। आप जानते हैं कि हमारे पत्र जो आते हैं, चिट्ठियां जो आती हैं, पार्सल जो आते हैं, ये सब डाक विभाग के द्वारा होते हैं। इसी तरह से रेल जो होती है, रेल की व्यवस्था भी सरकार करती है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था सरकार का काम है, सरकार इसको करती है। इसी तरह से हम आपको बताते हैं कि सरकार कई देशों से लगी हुई हैं, उनकी सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा क्या है कि सरकार करती है। आपने देखा है बॉर्डर के ऊपर चीन हमला करने के लिए उतारू है, इधर से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, रोज आतंकवादी हमले कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था करना, सीमाओं की सुरक्षा करना, ये सारी सरकार का कार्य होता है और सरकार अपना प्रबंध करती है। इसी के साथ ही सरकार भोजन और स्वास्थ्य, सरकार भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करता है? ये सरकार। कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, सरकार का ये उद्देश्य है सभी लोगों को भोजन प्राप्त हो, सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो। राजस्थान सरकार ने अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। तो ये सारी क्या है कि भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करती है। आगे हम आपको बताएंगे कि रोजगार, हमारी जो सरकार है बच्चों वो हमें रोजगार भी देती है, रोजगार की व्यवस्था करती है। अब ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्य चलाया जा रहा है। हर ग्राम
वर्ष में एक ही परिवार को 100 दिनों का रोजगार दिया जाए, जिससे कि गरीबों को रोजगार प्राप्त हो, जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो। इसलिए सरकार क्या है, रोजगार की व्यवस्था करती है और मनरेगा के तहत सरकार क्या है कि एक वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों का रोजगार देती है। तो सरकार क्या मनरेगा के तहत जो एक वर्ष में एक ही परिवार को 100 दिनों का रोजगार देती है और ये लोग गांव में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही आगे है जल प्रबंधन। सरकार क्या है कि हर गांव में जल प्रबंधन का कार्य कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में या पूरे देश में लोगों को अच्छा जल प्राप्त हो, मीठा जल प्राप्त हो, स्वच्छ जल प्राप्त हो। तो इसके तहत क्या है कि सरकार जल प्रबंधन का भी कार्य करती है। बहुत सी जगह जल का प्रबंधन करते हुए जल का संरक्षण भी कर रही है। ये संरक्षण किस प्रकार से कर रही है, बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े बांध हैं, बहुत सी नहरें हैं, उनसे पानी पहुंचाया जा रहा है, उनमें तालाबों में बांधों में पानी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जब पानी की कमी हो उस समय उस पानी को लोगों तक पहुंचाया जा सके। नहरों का जाल बिछाकर लोगों को खेती के लिए जल दिया जा रहा है। तो ये सारा क्या आता है कि जल प्रबंधन में आ रहा है कि जल साथ में जल प्रबंधन करना और जल का संरक्षण करना, ये सारे ही काम सरकार करती है। और सरकार इन कामों के ऊपर कई करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हमारे राजस्थान में भी चंबल नदी से बहुत से जिलों में पानी लाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो इसके साथ ही स्वच्छता अभियान आगे है। स्वच्छता अभियान, तो आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया है। उससे पहले भारत की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने भी ये स्वच्छता अभियान चलाया था। लेकिन मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान में बहुत ज्यादा गति पकड़ी है। हर गांव में स्वच्छता अभियान चलाया है, गांव को साफ रखा गया है, गांव की नालियों को साफ रखा गया है। और इसके तहत मोदी सरकार ने या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने क्या है, स्वच्छता अभियान आरंभ किया है। और इसके साथ ही क्या है, स्वच्छता अभियान के साथ ही शौचालयों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण भी करवाया है। सरकार ने हर घर में एक शौचालय होना जरूर है ताकि वो बाहर शौच के लिए न जाए और अपने घर के अंदर ही शौच करें। तो ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, सरकार का कार्य है और सरकार इसके ऊपर निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती जाएगी। तो बच्चों आज हमने आपको
के कार्य बताए हैं, सरकार के सारे कार्य लोक हित के कार्य हैं, लोगों के हितों के लिए करती है, तो आप इनको पढ़ना है, इसको उतार लेना है और इसको कॉपी में नोट कर लेना और इसको याद और करना है। ये जो कार्य दिया जा रहा है इसको आपको लिखना भी है और इसको याद भी करना है। तो थैंक यू बच्चों।